जय हिंद दोस्तों, UDCRA में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे लखनऊ सुपर जाइंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में होने वाले IPL के अगले मैच की। दोस्तों, वीडियो दो पार्ट्स में बन रही है, अभी आप पार्ट वन देख रहे हो। जैसे ही आपका पार्ट वन कंप्लीट होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले आपको पार्ट टू मिल जाएगा, आप पार्ट टू देख लीजिएगा। उससे पहले दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, जो बंदा आपको इतनी अच्छी प्रडिक्शन दे रहा है, उसकी पिछली टीम ने क्या किया है ना। तो चलिए दोस्तों, आपको टीम दिखाने चलते हैं, है ना। तो आपको ये टीम मिली थी लगभग 7:24, यानी कि आपके पास 6 मिनट थे पूरे चेंज करने के लिए। टीम कंप्लीट थी, टीम में ये नहीं कोई सी नहीं दिया, कोई वीसी नहीं दिया, टीम कंप्लीट थी। 6 मिनट एक टीम को चेंज करने के लिए बहुत है। और यहाँ पे लिखा था कि आप CVC रिवर्स भी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप टीम देखिए दोस्तों, बटलर चला UDCRA की टीम में, वो है। सैमसन चला UDCRA की टीम में है। पदिकल ने 24-25 रन बनाए, हमारी टीम में वो था। रसल हमारा कैप्टन है, 1 विकेट ले गया, बैटिंग उसकी भरपूर आएगी। सुनील नारायण 2 विकेट लेके गया, अपनी टीम में है। 2 कैचेस लगभग और 1 विकेट, पैट कमिंस हमारी टीम में है। फिंच क्या नाम है इनका, श्रेयस अय्यर और फिंच चल रहे हैं UDCRA की टीम में, वो दोनों है। और इनका अभी प्रदर्शन आना बाकी है। और टीम तो ये भी धाकड़ा, हमारा VC कहर करके गया और हमारा कैप्टन भी कहर मचाएगा। लेकिन मैंने आपको केवल एक चीज़ बोली थी कि ये नहीं कोई प्लेयर चेंज करो ना, आपको अगर कोई चेंज कर रहा है तो केवल CVC इंटरचेंज कर लो, यानी बटलर को कैप्टन और रसल को वाइस कैप्टन बना लो। तो जिन्होंने ये किया है, वो अभी दोस्तों स्वर्ग के नज़ारे ले रहे होंगे। इतनी बढ़िया टीम दोस्तों, जो बंदा चला हर बंदा अपनी टीम में है, और आपको क्या चाहिए, है ना। इतनी तगड़ी टीम आपको मिली दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगले मैच की। अब आप कहेंगे सर, इतनी तगड़ी टीम मिलती कहाँ पे, हमें ये भी बताइए, है ना। अभी बताने चलते हैं दोस्तों। जो आप वीडियो देख रहे हो ना, पार्ट वन यानी कि उसके टाइटल पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे दोस्तों ये रहा अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक, जो दोस्तों जहाँ पे आपको मेरी टीम मिलती है जिसके साथ मैं खेलता हूँ। और ये रहा दोस्तों पार्ट टू का लिंक, यहाँ पे जाके आप पार्ट टू देख सकते हो वीडियो का। और ये रहा दोस्तों इंस्टाग्राम का लिंक, ये दोनों लिंक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंस्टाग्राम पे प्राइम पिच रिपोर्ट पड़ती है, और अपना टेलीग्राम पे आपको मेरी टीम मिलती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले पार्ट वन चल रहा है तो प्राइम पिच रिपोर्ट का टाइम है। तो चलिए दोस्तों, प्राइम पिच रिपोर्ट देखने चलते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन से ग्राउंड पर मैच है ना। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आप नए हो, है ना, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए, और जैसे ही ये बेल आइकन आपको दिखे, ऑल पे क्लिक कर देना। जिससे होगा क्या, जैसे ही मैं अपनी अगली वीडियो अपलोड करूँगा, उसका आपको नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन टैब में आ जाएगा, और आप सबसे पहले मेरी टीम और मेरी वीडियो का लुत्फ़ उठा सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कोई भी छोड़ के मत जाइए, प्राइम पिच रिपोर्ट। लेकिन उससे पहले कौन से ग्राउंड पर मैच है, आपको ये भी पता होना चाहिए। 2-3 मिनट में प्रीव्यू क्रिकबस पे भी आने वाला है, तब तक हम अपनी पिच रिपोर्ट तैयार करते हैं। DY पाटिल अपने फेवरेट मैदानों में से एक दोस्तों, DY पाटिल। तो चलिए DY पाटिल की रिसेंट पिच रिपोर्ट देखते हैं, अपने पास कौन सी पड़ी है। ये डे की है दोस्तों, इसे हम थोड़ा सा चेंज करके नाइट की बना देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए नाइट हो गया, ड्यू फैक्टर तो लिखा ही हुआ था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलते हैं, देखते हैं दोस्तों नाइट वाला मैच कोई निकालते हैं। मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों, ऐसे ही कुछ नहीं मिलता, मेहनत करिए तभी कुछ मिलेगा। ये मैच दिन को हुआ था, DY पाटिल। ये मैच कहाँ पे हुआ था, वानखेड़े। ये वाला मैच ब्रबॉर्न, ये पड़ा दोस्तों DY पाटिल का। एक मैच बहुत है, क्योंकि पहले 2 मैचेस का उसी के बेस पे पिच रिपोर्ट बनी होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 मैचेस फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चेक करते हैं एक बार। तो मैंने बोला था कोई एक बंदा 60+ करेगा ना, यानी दूसरा फ्लॉप हो जाएगा फिर, है ना। कोई एक ही लिखा ना, दोनों के बारे में अगर मैं लिखता तो दोनों के बारे में लिखता, तो यहाँ एक के बारे में लिखा यानी दूसरा फ्लॉप। तो हुआ क्या, फिर चलो 60+ नहीं, ये तो सेकंड इनिंग है ना, फर्स्ट ओपन करते हैं। तो यहाँ दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो यानी कि फर्स्ट पॉइंट अपना काम नहीं किया। उसके बाद थर्ड नंबर फ्लॉप, ओके थर्ड फ्लॉप हो जाएगा,
जी हाँ, थर्ड बहुत अच्छा फ्लॉप हुआ, तो ये पॉइंट अपना बिल्कुल सही है। थर्ड नंबर हमने फ्लॉप बोला था, उसके बाद फोर्थ नंबर और एक फिनिशर। फोर्थ नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी फोर्थ को आप कैप्टन बना सकते हो, मैंने ये बोला था आपको वीडियो में, बोला होगा क्लियरली मैंने। और फोर्थ नंबर कैरी भी करके गया, फिनिशर दोनों चल गए, आपने कोई भी लिया हो आपको अच्छा पॉइंट्स दे के जाएगा। तो अपना पहला पॉइंट काम नहीं किया दोस्तों, बाकी दो पॉइंट्स बहुत अच्छे काम किए। अब देखते हैं दोस्तों विकेट्स, तो विकेट्स तो कोई खास गिरे ही नहीं दोस्तों, लेकिन पूरे मैच में लगभग 4 विकेट गिरे यहाँ पे। लेकिन हमने एक बात बोली थी डेथ में विकेट गिरेंगे, लेकिन हो क्या रहा है, डेथ में विकेट्स कम गिर रहे हैं, है ना। तो किसी किसी मैच में हो रहा है कि डेथ में बल्क में विकेट्स गिर रहे हैं, अदरवाइज डेथ में विकेट नहीं गिर रहे, लेकिन वही बॉलर जो डेथ में बॉलिंग कर रहे हैं एक एक विकेट तो लेके जा रहा है, तो वहाँ पर कंपनसेट हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों सेकेंड इनिंग। कोई भी एक ओपनर 50+ मार के जा सकता है, एंड अदर में भी 20-30 या फिर फ्लॉप, है ना। तो एक बंदा 50+ मारेगा, दूसरा कुछ खास नहीं कर पाएगा, ये हमने लिखा था सेकेंड इनिंग्स में। क्या बात है दोस्तों, बिल्कुल सही साबित हुआ, एक बंदा 54 मार के गया, दूसरा फ्लॉप। वैसे मैंने तो 10-20 रन दे भी दिए थे, लेकिन ये तो वो भी नहीं मार के गया। चलो उसके बाद थर्ड टू फिफ्थ में से कोई एक प्लेयर अच्छा करके जा सकता है, लेकिन यहाँ पे अश्विन कहाँ से आ गए दोस्तों, ये गलत हुआ। इन तीनों को ही आप लगा के चलिए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और लगभग हेटमायर ठीक ठाक करके गया। ठीक है, वो देखो अश्विन नाइट वॉचमैन के रूप में आया था, उसको आप प्लेयर नंबर नहीं काउंट कर सकते। तो यहाँ पे हेटमायर अपना बिल्कुल सही डिसीज़न हुआ। अब रिस्ट स्पिनर चहल के जैसा कि बॉलर जो फिंगर स्पिनर ना हो, वो लेगी लेगी टाइप का बॉलर हो, तो वो एक दो विकेट लेके जा सकता है, और एक आधा पेसर भी एक एक विकेट लेके जा सकता है। तो हुआ क्या, इनके पास रिस्ट स्पिनर राशिद खान है, राशिद को विकेट नहीं दी इन्होंने दोस्तों, तो यहाँ पे अपनी प्रिडिक्शन काम नहीं की, है ना, आपके सामने है। अब इसे पिछला मैच देखते हैं दोस्तों, थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी ना उसके अकॉर्डिंग हमें। अब इसे पिछला मैच देखते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही हम कोई प्रिडिक्शन नहीं फॉलो कर सकते। पिछला मतलब कि इसके जो बाद वाला मैच हुआ होगा कोई, ये मैच कौन से ग्राउंड पे हुआ था, ब्रबॉर्न। ये डे का मैच है, लेकिन DY पाटिल पे हुआ है, फॉलो कर सकते हैं, रिसेंट मैच है, पिच का थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा। तो देखिए ज़रा, यहाँ हमने क्या बोला था, एनी वन प्लेयर 60, तो ये चेंज करना पड़ेगा दोस्तों, प्लेयर नहीं चल रहे, इसे हम लिखते हैं, चेंज करते हैं ना पिच रिपोर्ट। टेक एनी वन प्लेयर बिकॉज बोथ प्लेयर्स आर रिस्की, बोथ प्लेयर्स आर रिस्की, मतलब कि 10-20 रन 30 रन बनाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे, कोई भी एक ले लो। उसके बाद थर्ड नंबर फ्लॉप, ये काम कर रहा है अपना, फोर्थ नंबर कहर मचा रहा है, ये भी काम कर रहा है, फिनिशर भी लगभग अपना काम कर रहा है। फिनिशर की जगह आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो, जो भी बंदा फिनिशिंग कर, चाहे फिफ्थ नंबर है, फिफ्थ और सिक्स्थ, जो भी बंदा आपके आपके अकॉर्डिंग फिनिशिंग करेगा। उसके बाद ओनली 2-4 विकेट गिरेंगी पहले 17 ओवर तक या 16 ओवर तक, जहाँ मैं डेथ जहाँ से शुरू नहीं हो रही, लगभग अंतिम 4 में डेथ शुरू हो जाती है। तो हुआ क्या, यहाँ पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई, तो देखे ज़रा। ओहो, डेथ में दोस्तों कितने विकेट गिरे, 4, 5, 6, तो यहाँ हमारी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही है, लगभग 4 विकेट ही गिरे थे पहले 16-17 ओवर तक, और उसके बाद मैक्सिमम विकेट्स डेथ में गिरेंगे, यहाँ बिल्कुल सही साबित हुई अपनी प्रेडिक्शन दोस्तों। तो यहाँ पे हमने एक आधा चेंज किया, उसके बाद अपनी पिच रिपोर्ट बहुत काम कर रही है। उसके बाद देखिए ज़रा, यह पिच रिपोर्ट इंस्टाग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा दोस्तों, टेंशन मत लीजिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो, अदरवाइज़ मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद देखा जाए तो सेकेंड इनिंग क्या बोल रहे हैं, कोई भी एक बंदा 50+ करके जा सकता है, बाकी कोई खास नहीं करके जाएगा बंदा। देखे जरा क्या ऐसा हुआ भी कि नहीं हुआ, वरना चेंज करें, 50+ तो नहीं, लेकिन 30+ ज़रूर करके क्या बंदा, दूसरा फ्लॉप होगा, ये तो मैंने भी बोला था ना कि दूसरा कुछ खास नहीं करेगा, तो यहाँ पे 50+ नहीं, गुड स्कोर कह सकते हैं, मेड
गुड्स कोर्स, आप लेना ज़रूर है आपको गुड्स कोर्स। 50 नहीं कर सकता, वो अच्छा स्कोर करेगा, 50 कर सकता है लेकिन स्कोर अच्छा करेगा। उसके बाद तीसरे और पांचवे में से एक दो प्लेयर आप ले सकते हो, दोनों बढ़िया है आपके लिए, कोई भी एक ले सकते हो, दो भी ले सकते हो। और लगभग तीसरा चौथा पांचवा तीनों ही चल गए यहाँ पर, तो चलो कोई दो मैंने बोला था आपने दोनों ले लिए, चलो बढ़िया है। रिटर्न में तो वैसे मैं एक ही बोल रहा हूँ लेकिन दो बंदे मैंने वीडियो में बोल दिया, दो आप ले सकते हो। उसके बाद रिस्ट स्पिनर लाइक चहल, देखे जरा, जी हाँ राहुल चहर 2 विकेट, क्या बात है। तो बाकी ठीक है दोस्तों, 5-7 विकेट बोले हैं, मुझे लगता है इतने ही गिरे होंगे विकेट, इससे भी कम गिरे, क्या बात है, स्कोर कम था ना। तो अब आप लगा के चलिए प्रेडिक्शन यही रहेगी, तो ये मैं अपना इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। अब बनाने चलते हैं दोस्तों। अब आप कहेंगे सर प्राइम तो आपने रिपोर्ट दे दी, अब इसके अकॉर्डिंग टीम कैसे बनानी है, हमें ये भी बनाना सिखाइए। आपको टीम नहीं बनानी आएगी ना, क्योंकि प्लेयर आप गलत ले लेते हो, कोई ना कोई तो आप गलती कर लेते हो। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम आपको बनानी सिखाते हैं इस पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कैसे आपको प्राइम टीम बनानी है। तो चलिए दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको पार्ट 2 मिलेगा, पार्ट 2 में हम आपको बनाना सिखाते हैं वीडियो। तो चलिए दोस्तों हमारे साथ आ जाइए पार्ट 2 में, वहाँ हम आपको प्राइम 2, क्या कहते हैं उसको, प्राइम टीम बनानी सिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों प्राइम अपना क्या कहते हैं पार्ट 2 ओपन कीजिए और सीखिए पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कैसे हम लोग प्राइम टीम बनाते हैं। चलिए दोस्तों आपका वेट कर रहा हूँ मैं पार्ट 2 में।